हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे PQRS के क्वेश्चंस, जो कि SSC CGL और SSC के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन है और ये रियल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के PQRS जो क्वेश्चंस हैं वो SSC और CGL और दूसरे सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा, कुछ बेसिक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसकी मदद से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। देखिए, एक सेंटेंस जो होता है उसमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये SBO का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको आपको नॉर्मली फॉलो करना है और ये अफर्मेटिव में भी हो सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, टेकन टुगेदर, यानी यदि इन चीज़ों को साथ में लिया जाए, टेकन टुगेदर। अब यहाँ पर क्या है, दिस है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली एक सब्जेक्ट है, जैसे दिस इज माई बुक। तो इसके बाद, दिस के बाद आपको क्या चाहिए, दिस के बाद आपको वर्ब चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसलिए दिस के बाद यहाँ पर गिप्स का आना लॉजिकल है। टेकन टुगेदर दिस गिप्स आर टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूजेबल मटेरियल। देखिए, एक तो इसका सीक्वेंस ये बन रहा है, यदि आप इसको इस तरह से करें, टेकन टुगेदर दिस न्यूक्लियर वेपन यूजेबल मटेरियल गिव्स ए टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ। यदि आप पहले सेंटेंस ये वाला लगाएं, टेकन टुगेदर दिस दिस न्यूक्लियर वेपन यूजेबल मटेरियल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900, यदि आप इसको लगाएं, यदि आप इस तरह से करें, तो ऑफ इसमें आपका एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में एंड में ऑफ नहीं आता है, तो इसलिए इसके बाद आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस एक सब्जेक्ट है और वर्ब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब गिप्स एक वर्ब है। तो टेकन टुगेदर दिस गिप्स अ टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ। अब देखिए, यहाँ पर ऑफ के बाद ये आपको एक वर्ड चाहिए, ठीक है, आपको एक नाउन चाहिए। ऑफ के बाद हम नॉर्मली यहाँ पर अब नाउन लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें नाउन है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नाउन है। तो टेकन टुगेदर दिस गिव्स अ टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूजेबल मटेरियल। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद आपने वर्ब लगाया और सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पी, यहाँ से पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड बी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन का। इस तरीके से आपको इनको करना है। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर दिया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद यहाँ पर दिया है एक डेफिनेट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही स्टेटमेंट देंगे, तो उसके बारे में ये बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में एक फ्रेज भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर अंडर हूज सुपरविजन दिस। अब देखिए, यहाँ पर दिस आ गया, ठीक है। तो दिस के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, मैंने अभी बताया था। तो वर्ब किस में है, वर्ब है इसमें, हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, हैज़ टेकन प्लेस। इस दिस के बाद आप ये लगाएंगे, हैज़ टेकन प्लेस। अब यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है ये किससे रिलेटेड है, ये फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डेफिनेट स्टेटमेंट। डेफिनेट स्टेटमेंट कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्टर देगा डेफिनेट स्टेटमेंट। तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये बी वाला सेंटेंस है, ये फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ेगा, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर हूज सुपरविजन दिस हैज टेकन प्लेस, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जिसके सुपरविजन में, जिसके अंडर में ये काम हुआ है। टेकन प्लेस मतलब किसी काम का होना, हैजन टेकन प्लेस, हैज टेकन प्लेस, हैजेंट मेड एनी डेफिनेट स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिनके अंडर में ये काम हुआ है, उन्होंने कोई भी एक डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर अंडर हु सुपरविजन दिस हैज टेकन प्लेस। यानी सबसे पहले इसमें पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, यानी इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा पी आर क्यू, इसका ये वाला सीक्वेंस बनेगा, यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। देखिए, ये है नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है यू फेल टू, यू फेल टू। अब टू के बाद हम क्या जोड़ते हैं, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें से कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, रिकग्नाइज, ठीक है। तो
तो एक कॉमन सेंस यदि आप अप्लाई करें तो इसके बाद सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस बनेगा यू फेल टू के बाद वो क्यू बनेगा. यू फेल टू रिकग्नाइज दैट वॉट मैटर्स इज नॉट वॉट समवन इज बॉर्न बट वॉट दे ग्रो टू बी. आपको सेंटेंस का एक लॉजिकल मीनिंग भी देखना है. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप ये समझने में असमर्थ रहते हैं. यू फेल टू रिकग्नाइज, आपको आपको ये पता नहीं पड़ता है या आपको आप ये चीज़ रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कैसे पैदा हुआ है या कहाँ पर पैदा हुआ है. इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो बड़ा होके क्या बन जाता है. तो यही इस सेंटेंस का मतलब है कि यू फेल टू रिकग्नाइज दैट वॉट मैटर्स इज नॉट वॉट समवन इज बॉर्न बट वॉट दे ग्रो टू बी. ठीक है, तो यू फेल टू के बाद यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई कि टू के बाद यहाँ पर वर्ब चाहिए आपको, तो वर्ब आएगी क्यू के साथ. ठीक है, क्यू में वर्ब दी है और किसी में वर्ब नहीं दी है, तो ये वाला सेंटेंस जुड़ जाएगा. और इसके बाद फिर आपको लॉजिकली सेंटेंस को कनेक्ट करना है. यू फेल टू रिकग्नाइज दैट वॉट मैटर्स इज नॉट वॉट समवन इज बोर्न. और देखिए वाट बट जो आएगा, बट वाला सेंटेंस बाद में क्यों आता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं. बट से पहले एक सेंटेंस होना जरूरी है. बट वाले सेंटेंस को हम शुरू में नहीं लगा सकते, बट वाले सेंटेंस को हम एंड में ही लगाएंगे. जैसे यदि मैं बोलूं कि ही इज़ हार्ड वर्किंग बट ही इज़ नॉट सिंसियर, यदि मैं ऐसे बोलूं तो बट इसमें एंड में ही आएगा. तो पहले हम ये वाला सेंटेंस ही बोलेंगे. इस लॉजिक के हिसाब से भी पहले हम ये वाला सेंटेंस ही बोलेंगे और बट वाला सेंटेंस हम कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करते हुए एंड में बोलेंगे. तो एक ये भी एक इसमें लॉजिक है. तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यू फेल टू रिकग्नाइज दैट वॉट मैटर्स इज नॉट वॉट समवन इज बॉर्न, यानी क्यू पी आर इसमें आपका आंसर होगा. क्यू पी आर यानी यहाँ पर आपका आंसर होगा ए. ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है. क्वेश्चन नंबर हम फोर देखते हैं. डोंट बी एंग्जस अबाउट, मतलब एंग्जस का मतलब होता है चिंता करना. तो यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो क्या आएगा इसके बाद, डोंट बी एंग्जस अबाउट एनी थिंग. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करो, डोंट बी एंग्जस अबाउट एनी थिंग. तो यहाँ पर देखिए अबाउट के बाद एनी थिंग का ही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है. अगर यहाँ पर ये वाला सेंटेंस तो लगेगा नहीं, डोंट बी अबाउट एंड पिटीशन तो बनेगा नहीं. डोंट बी एंग्जस अबाउट थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, तो हम उसके बारे में चिंता क्यों करेंगे. डोंट बी एंग्जस अबाउट थैंक्स गिविंग कहना इलॉजिकल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर डोंट बी एंग्जस अबाउट एनी थिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटीशन. देखिए बाय प्रेयर दिया है तो प्रेयर के आगे यहाँ पर आपको प्रेयर का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए. यदि एंड से इसको जोड़ना है आपको, ठीक है, प्रेयर प्रेयर को आपको एंड से जोड़ना है, तो प्रेयर के इक्विवेलेंट वर्ड को ही तो आप प्रेयर से उसके उससे जोड़ेंगे. दो इक्विवेलेंट वर्ड को ही हम एंड से जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम. ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन. तो दो इक्विवेलेंट वर्ड को ही हम एंड से जोड़ते हैं. तो प्रेयर का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो पिटीशन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको एंड से जोड़ दिया. डोंट बी एंग्जस अबाउट एनी थिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटीशन विथ थैंक्स गिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड. किसी भी चीज़ के बारे में चिंता हमें नहीं करनी चाहिए और हमें हर सिचुएशन को प्रेयर और पिटीशन, पिटीशन का मतलब भी एक्चुअली रिक्वेस्ट ही होता है. तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस बनेगा, डोंट बी एंग्जस अबाउट एनी थिंग बट इन एवरी सिचुएशन, यानी आपका आर क्यू एंड पी, आर क्यू पी आपका ये आंसर इसमें होगा. आर क्यू, आर फिर क्यू और फिर पी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. इसमें 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको. हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन. ठीक है, अब यहां पर हमने देखिए एक स्टेटमेंट दिया है कि इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो नोन नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है. लेकिन अब लेकिन का सेंटेंस के इसके बाद ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये लेट में तो जुड़ेगा नहीं. हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन, लेट में ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, ये यहां से कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है इसका, और यहाँ से भी इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा. एज दिस वॉज द डेट, ठीक है, तो यहाँ से इसका एक लॉजिक बन रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम क्या एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें हम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं. हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन बट इट इज बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन, अब बॉर्न इन, लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि वो मे में बॉर्न हुआ था, मे में उसका जन्म हुआ था. तो बॉर्न इन के बाद, इनके बाद आप किसी महीने का नाम ही लगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑन के बाद डे और डेट का नाम आता है. ऑन के बाद हम डेट लगाते हैं या डे लगाते हैं, जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन संडे, ही वॉज बॉर्न ऑन 19th. लेकिन जो महीने के नाम होते हैं, मंथ्स के नाम होते हैं, उनसे पहले हम इन लगाते हैं. तो इन सेंटेंस में इन लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मे आ जाएगा. ठीक है, तो
हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन बट इट इज बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन लेट मे. तो यहां पर आपका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनेगा पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यू आर आपका कॉम्बिनेशन यहां पर बनेगा. हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन बट इट इज बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन लेट मे एंड लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट मे 29th एज हिज बर्थडे एज दिस वॉज द डेट ही क्लाइम एवरेस्ट. इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज पिटी दैट. देखिए इट इज पिटी दैट क्या है, दैट के बाद यहां पर आपको एक सेंटेंस चाहिए. दैट से हम एक सेंटेंस का शुरू करते हैं. जैसे इट इज पिटी दैट ही कैन नॉट गेट सेलेक्टेड, इट इज पिटी दैट ही डजंट वर्क हार्ड. तो दैट के बाद यहां पर ये एक्चुअली एक नाउन क्लॉज होता है, दैट से जो शुरू होता है. तो यहां पर आपको दैट के बाद एक सेंटेंस चाहिए और सेंटेंस कहां से शुरू होगा ये देखना पड़ेगा आपको. इट इज पिटी दैट सच वायलेंस. सेंटेंस आप किससे शुरू करते हैं, सेंटेंस हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट है इसमें वायलेंस, सच वायलेंस. ठीक है, तो यहां से सेंटेंस आपका बन जाएगा. इट इज पिटी दैट सच वायलेंस हार्डली कम्स. अब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा. वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एस बी ओ का जो कॉम्बिनेशन है. इट इज पिटी दैट सच वायलेंस हार्डली कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये एक बहुत दुख की बात है कि इस तरह का वायलेंस, इस तरह की जो हिंसा है वो बहुत कम ही लॉ की सीमा में या कानून की सीमा में आती है. विद इन द परव्यू ऑफ मतलब होता है इसकी सीमा में. तो इट इज पिटी दैट सच वायलेंस हार्डली कम्स, यानी पी क्यू आर इसमें आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. गांधी जी ऑफन. अब देखिए यहां पर गांधी क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है. तो यहां पर अब आपको वर्ब चाहिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट. तो गांधी जी ऑफन, अब इसके बाद वर्ब चाहिए. तो वर्ब कहां पर है, वर्ब है विड्यू. क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते गांधी ऑफन वॉज अननेसेसरी वायलेंस, इससे लॉजिक ही नहीं बन रहा यहां पर. तो गांधी ऑफन विड्यू फ्रॉम एन एक्ट ऑफ सत्याग्रह इफ ही. अब देखिए यहां पर भी एक सब्जेक्ट आ गया, इफ ही. तो यहां पर आपको एक, आपको सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए. तो वर्ब क्या कहां पर है, वर्ब ये है फेल्ट. ठीक है, तो गांधी ऑफन विड्रू फ्रॉम एन एक्ट ऑफ सत्याग्रह इफ ही फेल्ट देयर वॉज अननेसेसरी वायलेंस. मतलब गांधी जी जो एक्ट ऑफ सत्याग्रह थे उससे अपने आप को वापस कर लेते थे, मतलब उस चीज को, उस कैंपेन को वापस ले लेते थे यदि उनको लगता था कि इस चीज से वायलेंस क्रिएट हो सकता है. तो गांधी ऑफन विड्रू फ्रॉम एन एक्ट ऑफ सत्याग्रह इफ ही फेल्ट देयर वॉज अननेसेसरी वायलेंस. गांधी ऑफन विड्रू फ्रॉम एन एक्ट ऑफ सत्याग्रह इफ ही फेल्ट, यानी क्यू आर पी आपका आंसर होगा. क्यू आर पी यानी डी इसमें आपका आंसर होगा. इस तरीके से आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अ सेंट और ए सत्याग्रही. ए सेंट और सत्याग्रही क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए. तो वर्ब कहां पर है, वर्ब है इसमें इज. ठीक है, ए सेंट और सत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन ए पेडेस्टल फ्रीजिंग हर एक्ट ऑफ गुडनेस इन टाइम. देखिए गुडनेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, वो समय में. एक कोई एक समय होता है उसमें कोई सेंट एक गुडनेस करता है, कोई अच्छाई करता है. ठीक है, जैसे जैसे सती प्रथा को हटाया था. ठीक है, और जैसे कोई सा भी एक एक्ट होता है, कोई सी बुराई होती है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम में हटाते हैं. तो गुडनेस इन टाइम कहना यहाँ पर सही होगा, गुडनेस इन टाइम. ठीक है, तो ए सेंट और सत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन ए पेडिस्टल फ्रीजिंग हर एक्ट ऑफ गुडनेस इन टाइम, ऐसे कहना इसको सही होगा. मतलब एक सेंट या जो सत्याग्रही होता है उसको एक इस तरह की सिचुएशन में रखा जाता है, उस तरह की पोजीशन पर रखा जाता है अक्सर, कि उसकी जो गुडनेस होती है वो फ्रीज हो जाती है, समय वहीं पर थम जाता है, उसकी जो गुडनेस होती है वो इतनी अच्छी होती है. तो अ सेंट और सत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन ए पेडिस्टल फ्रीजिंग हर एक्ट ऑफ गुडनेस इन टाइम. तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा, ए सेंट और सत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन ए पेडिस्टल, यानी क्यू पी आर यहां पर आपका आंसर होना चाहिए, सी इसका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. टू बिगिन विथ, इट इज नॉट, नहीं, टू बिगिन विथ, यहां टू बिगिन विथ एक फ्रेज है यदि हम शुरुआत करें तो. और बिगिन विथ के बाद यहाँ पर आपको एक सेंटेंस चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो चाहिए यहाँ पर आपको. टू बिगिन विथ यहाँ से आप बोल सकते हैं द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज़
द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब हो जाएगी इज। ठीक है, टू बिगिन विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सिटीज इज नॉट दैट दे आर अनस्मार्ट बट दैट दे आर डिसफंक्शनल। बट वाला सेंटेंस हम एंड में लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते, क्योंकि बट के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, मतलब पहले वाले सेंटेंस का आखिरी वाले सेंटेंस के द्वारा हम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, एक अंतर दिखाते हैं, तो इसलिए बट वाला सेंटेंस आखिरी में हम लगाते हैं। टू बिगिन विथ द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज इज नॉट दे आर दैट दे आर अनस्मार्ट बट दे आर डिसफंक्शनल, इस तरीके से ये बन जाएगा द टू बिगिन विथ द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज, यानी इसमें आ जाएगा आपका क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर आपका बन जाएगा, सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द वाइड वर्ड इज ऑल। देखिए ऑल के बाद हमेशा अबाउट जुड़ता है, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, ऐसे हम बोलते हैं, तो ऑल के बाद हमेशा अबाउट जुड़ता है। ठीक है, ऑल अबाउट यू या ऑल अबाउट मी या ऑल अबाउट सक्सेस, ये क्या है, फ्रेजेस हैं। तो द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू, यू कैन फेंस योर सेल्फ इन बट यू कैन नॉट फॉर एवर फेंस इट आउट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा ये, द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू, यू कैन फेंस योर सेल्फ इन, यानी क्यू आर पी इसका आंसर होगा, क्यू आर पी, बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। मतलब वाइड वर्ल्ड मतलब एक ये दुनिया जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, एक मकड़ जाल की तरह है ये इस सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इट सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम। ठीक है, इसने सपोर्ट को सिक्योर कर लिया, इसने सपोर्ट को ले लिया, इट सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम अपोजिशन एंड डिफीटेड द गवर्नमेंट, ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इट सेल्फ, अदर सेक्शंस, नहीं ऐसे नहीं बनेगा ये, इट सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन, ऐसे बन जाएगा ये, इट सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन डिफीटेड द गवर्नमेंट एंड डिफीटेड द गवर्नमेंट ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इट सेल्फ, इट सिक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन, यानी क्यू आर पी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इट इज द राइट टू। अब देखिए राइट माने क्या होता है, राइट माने अधिकार होता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। ठीक है, इस तरह के जो राइट होते हैं, तो राइट के बाद राइट टू प्राइवेसी ही जुड़ सकता है, क्योंकि राइट के बाद ये वाले वर्ड नहीं जुड़ेंगे। तो इट इज़ द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये प्राइवेसी का राइट है जो हमें बचाता है, किस चीज़ से बचाता है, इंडिस्क्रेशन से बचाता है, भेदभाव से बचाता है। इट इज़ द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडिस्क्रेशन ऑफ डॉक्टर हु सी अस एट अवर मोस्ट वल्नरेबल। मतलब हमें डॉक्टर्स तब देखते हैं जब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं, ये सेंटेंस का मतलब है। इट इज़ द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडिस्क्रेशन ऑफ डॉक्टर हु सी अस एट अवर मोस्ट वल्नरेबल। तो इट इज़ द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट अस, यानी आर क्यू पी इसका आपका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका कमांड इन पी क्यू आर एस सेंटेंसेस पर बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द लॉस ऑफ दीज। लॉस ऑफ दीज मतलब इन चीज़ों का नुकसान। अब किन चीज़ों का नुकसान, वो आगे आपको लिखना पड़ेगा। द लॉस ऑफ दीज यंग एंड ऑफन ब्राइट पीपल मस्ट मेक अस पॉन्डर। मतलब इन यंग और ब्राइट पीपल का जो लॉस है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। द लॉस ऑफ दीज यंग एंड ऑफन ब्राइट, द लॉस ऑफ दीज यंग एंड ऑफन ब्राइट, यंग और ब्राइट। ठीक है, यंग के साथ आप ब्राइट वर्ड को जोड़ेंगे क्योंकि एंड के साथ हम इक्विवेलेंट वर्ड को जोड़ते हैं। तो द लॉस ऑफ दीज यंग एंड ऑफन ब्राइट पीपल मस्ट मेक अस पॉन्डर, यानी पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसे इज अबाउट। देखिए जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ इस बारे में है, तो वो किस बारे में है वो चीज़ आगे आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए। द एसे इज अबाउट वॉट इट्स टाइटल सेज, मतलब एसे उस बारे में है जो इसका टाइटल कहता है। द एसे इज अबाउट वॉट इट्स टाइटल सेज, अब यहाँ पर एक टाइटल है द एनिमीज ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टीज।
ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा, इससे पहले बोलना पड़ेगा नेमली, क्योंकि आपने ये किसी का नाम बताया है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा द एसेज अबाउट व्हाट इट्स टाइटल सेज, नेमली द एनिमीज ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, द एसेज अबाउट क्यू पी आर, व्हाट इट्स टाइटल से नेमली क्यू पी आर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। एक देखिए, ये थोड़ा सा टफ सेंटेंस है, ये थोड़ा सा सीजीएल का लिया है मैंने, एक रियल क्वेश्चन लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा इसमें, और जो सेंटेंस फर्स्ट होगा वो नॉर्मली नाउन होगा, प्रोनाउन वाले सेंटेंस बाद में आएंगे। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में प्रोनाउन है ईच, इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, बाद में आएगा, और ये वाला सेंटेंस जो है सच, ये भी बाद में आएगा क्योंकि इसमें प्रोनाउन है। अब इन दोनों में से एक सेंटेंस आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन टू इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ईच मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू विदाउट नोइंग व्हाट द अदर इज डूइंग। तो ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस लगता है जो कि एक हैंगिंग सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसका कोई मेंशन नहीं है, बीच में ये सेंटेंस ये दे दिया है, तो इसलिए ये सेंटेंस शुरुआत का सेंटेंस नहीं हो सकता। कि यहाँ पर लिखा है कि सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अराइजेस, मतलब वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसके रिलेटेड ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस इसको आप बना सकते हैं, द लाइकलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट इज डिटरमिंड बाय हाउ केयरफुली द मोटरिस्ट ड्राइव्स एंड हाउ केयरफुली द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिस द स्ट्रीट। इसका मतलब ये है कि जो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो इस चीज़ से डिटरमिन होती है कि मोटरिस्ट और पेडेस्ट्रियन कितना केयरफुली ड्राइव करते हैं और कितना केयरफुली क्रॉस करते हैं स्ट्रीट को, ठीक है। उसके बाद ए के बाद आप ये सेंटेंस लगा सकते हैं, डी द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन टू इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ईच मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू विदाउट नोइंग व्हाट द अदर इज डूइंग। तो ए डी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं, देखिए सच ए केस वाला सेंटेंस बाद में इसलिए आएगा क्योंकि पहले आपको उस केस को मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो आप बोलेंगे ये इस तरह का केस है, पहले आप उसको केस को बताना पड़ेगा, तो इसलिए बी एंड में आएगा और सी पहले आएगा, यानी यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए डी सी बी, तो सेकेंड इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक आपको अप्लाई करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको सही तरीके से लॉजिकली बिठालना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद करना है, इसको इसको प्रैक्टिस करना है, और इन चीज़ों को अप्लाई करना है, लॉजिकली सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करें आप, प्रोनाउंस को बाद में रखें, पहले नाउंस को रखें, ठीक है, प्रोनाउंस हमेशा बाद में आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनकी मदद से PQRS के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा इसी इसी ई कोर्स में, और काफ़ी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे PQRS के और दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के, तो इनके थ्रू आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।